Use the Huygens principle to explain the formation of diffraction pattern due to a single slit illuminated by a monochromatic source of light. पहले हमें ये पार्ट करना है. देखिए क्या है, डिफ्रैक्शन में सिंगल स्लिट होती है, सिंगल होल, एंड वी हैव सोर्स ऑफ लाइट बिहाइंड इट, एंड इट हैज बीन प्रूवन दैट विच इज डिफ्रैक्शन ओनली, दैट इफ अ लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू अ वेरी टाइनी होल, जहां पे होल का साइज है, साइज ऑफ होल इज ऑफ द मेजर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट. ऐसे में लाइट सीधी ट्रेवल करना बंद कर देती है, यानी कि द लाइट स्टॉप्स ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन. ध्यान सुनिएगा, पूरा डिफ्रैक्शन समझा रहा हूं यहां पे मैं, यानी कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट जो प्रॉपर्टी है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ये जो प्रॉपर्टी है, दिस इज लॉस्ट, ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है लाइट की. लाइट जो है वो अलग अलग दिशा में बेंड करने लगती है. तो ऐसे में क्या होता है कि बिल्कुल सामने तो इंटेंसिटी मैक्सिमम रहती है, मैक्स बिल्कुल सामने, लेकिन फर्दर एंगल्स पर अलग अलग इंटेंसिटीज मिलती हैं. यहां पे कुछ इंटेंसिटी, यहां पे कुछ इंटेंसिटी, ऐसा रहता है. और ऑब्वियसली हमने देखा कि जब एंगल जीरो है विद दिस लाइन ओनली, द इंटेंसिटी इज मैक्सिमम. व्हेन दिस एंगल इज चेंज थीटा वन से थीटा टू, वी हैव डिफरेंट इंटेंसिटीज. सो वॉट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट इंटेंसिटी हैज अ फंक्शन विद द थीटा फ्रॉम दिस लाइन, ये हमें फाइंड करना अल्टीमेटली. और इसका स्टार्टिंग पॉइंट टू प्रूफ होगा हाइगेंस प्रिंसिपल की मदद लेनी है. तो हाइगेंस प्रिंसिपल को कैसे यूज करें, देखिए आपने हमारे साथ हाइगेंस प्रिंसिपल तो पढ़ाई है, और हाइगेंस प्रिंसिपल के दो स्टेटमेंट होते हैं. पहला स्टेटमेंट यहाँ पे यूज होगा और फिर वहां से डाइवर्ट होके डिफ्रैक्शन पर आ जाएंगे. क्या है हाइगेंस प्रिंसिपल टू एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन? हाइगेंस प्रिंसिपल अपने आप में अलग है, पर डिफ्रैक्शन के लिए एक्सप्लेन करने के लिए उसका पहला स्टेटमेंट यूज किया जाता है, फिर वहां से डाइवर्ट करके हम डिफ्रैक्शन में एंट्री ले लेते हैं. हाइगेंस प्रिंसिपल, ठीक है, क्या है, जैसे कि हम इसको मैग्निफाई करके दिखाएं, ये हमारे पास स्लिट है, अभी हमने बड़ा करके देखा है, हालांकि इसकी जो साइज है वो 10^-6 मीटर के ऑर्डर का होना चाहिए, ठीक है. तो यहां पर एक वेव फ्रंट है जिस पर कुछ पॉइंट्स हैं, एन पॉइंट्स, 1, 2 एंड सो ऑन, एन पॉइंट्स है. तो लिखें, देयर इज अ वेव फ्रंट, एट द स्लिट विच हैज सम पॉइंट्स ऑन इट, हैज सम पॉइंट्स ऑन इट. ऑल दीज पॉइंट्स वाइब्रेट इन सेम फेज, ठीक है, वाइब्रेट इन सेम फेज. These points behave as the source of secondary wavelets. अब wavelets मैं बता चुका हूं अच्छी तरीके से डिटेल में, मैं फिर से याद दिला दूं कि हर एक पॉइंट सोर्स एक स्फेरिकल वेव फ्रंट को जन्म देती है, और स्फेरिकल वेव फ्रंट का स्फेयर एक 3D फिगर होता है ना, तो उस 3D स्फेयर फिगर का छोटा सा पोर्शन अगर ले लिया जाए ऐसा, इसको हम वेवलेट बोल देते हैं. ऑब्वियसली इस पोर्शन को 2D में दिखाएंगे पेज पर तो वो एक आर्क की तरह दिखेगा, तो हम उनको वेवलेट्स बोल रहे हैं, यानी कि वेव फ्रंट का एक छोटा सा पार्ट वेवलेट दिखाया जा रहा है. तो
नाउ दीज पॉइंट्स बिहेव एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, जैसे कि बताया मैंने आपको वेवलेट क्या चीज है। तो ये पॉइंट्स वेवलेट उत्पन्न करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, अलग अलग दिशाओं में करते हैं। व्हाइल प्रोड्यूसिंग दीज वेवलेट्स सुपरपोज, एक के ऊपर एक बैठ जाती हैं, ऐड होना कहते हैं इसको, पोज टू प्रोड्यूस रीजन्स ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज, रीजन्स ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज एंड हेंस वी ऑब्टेन डिफ्रैक्शन पैटर्न, डिफ्रैक्शन पैटर्न, दैट्स इट। सो दिस इज ऑल अबाउट द हाइगेंस एक्सप्लेनिंग यू दिस डिफ्रैक्शन। ना अब इसको हम पूरा मैथमेटिकल रूप देने जा रहे हैं। हमारे पास एक स्लिट है, हमने एक दो तीन चार पांच जगह ले ली है, छह ले लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू वी कैन टेक एन। वी हैव दिस स्लिट विड्थ एज बी, एंड ऑब्वियसली एक ही वेव फ्रंट के पॉइंट्स हैं तो सबकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, क्योंकि वो एक ही वेव फ्रंट है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि एक ही बस में ट्रैवल करने वाले सवारी जो होती है, सबकी सबकी स्पीड तो एक ही होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक बस में अगर 10 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो अलग, हर की स्पीड अलग अलग है। तो वैसे ही अगर ये पॉइंट्स एक ही वेव फ्रंट पे, दे ऑल हैव विल हैव द सेम फ्रीक्वेंसी। नाउ आई एम टेकिंग जस्ट अ रैंडम एंगल थीटा, जस्ट टेकिंग अ रैंडम एंगल थीटा वेयर ऑल दीज आर प्रोड्यूसिंग वेवलेट्स। तो आप कह रहे हैं वेवलेट्स क्यों नहीं दिखा रहे, मैं रे डायग्राम दिखा रहा हूँ ना, क्योंकि रे डायग्राम तो वेवलेट्स के परपेंडिकुलर होता है, तो एक तरह से वेवलेट ही है। मैंने एक रैंडम एंगल ले लिया है जिस पर ये सब की सब जा रही है। ख्याल सुनिए, एक ही समय पर ये करोड़ों या अरबों जगह पर अपनी वेवलेट्स भेज रही हैं। मैंने कोई एक जगह ले लिया जहां सब भेज रही होंगी, सभी भेज रही होंगी, पूरे 360 डिग्री, या आप सॉलिड एंगल देखें, स्फेरिकल रीजन में 4 पाई स्टेरेडियन, हर जगह ही अपनी इक्विवेलेंट वेवलेट को भेज रही होंगी सबकी सब, है ना। हो सकता है ये यहाँ भी भेज रही हो, पर और ये यहाँ भेज रही है यहाँ, लेकिन सबकी सब यहाँ भी तो भेज रही होंगी। हम उन सिर्फ उन वाली को काउंट कर रहे हैं जो एक तरफ है, ठीक है, और ये इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगी, और हमको वहां पे कुछ पर्टिकुलर इंटेंसिटी मिलेगी जब ये ऐड होंगी। इस पर्टिकुलर लाइट को मैं एक वेक्टर, एक इक्वेशन से दिखा सकता हूँ, लाइट की इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब सबकी सब एक ही वेव फ्रंट से हैं, तो सबका वेवलेंथ, सॉरी सबका एम्पलीट्यूड भी सेम होगा। दूसरी बात आप नोटिस करें कि ये है तुम्हारा ए साइन ओमेगा टी। अगर मैं परपेंडिकुलर गिराऊं इन सब पे, तो ये वाली जो सेकंड नंबर, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये इतना डिस्टेंस ज्यादा चलना पड़ा है इसको, है ना। तो यानी कि ये इतने डिस्टेंस से लैग कर रही है, इतने पाथ डिफरेंस है पहली से निकलने और दूसरे से निकलने वाली वेवलेट्स के बीच में, इतना सा पाथ डिफरेंस है। इस इतने से पाथ डिफरेंस को हम फेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे दूसरी वाली के लिए, अगर ये y1 है और y2 के लिए लिखना है ए साइन ओमेगा टी -5। माइनस क्यों किया, क्योंकि ये पीछे है तो माइनस ही करेंगे, तो ये 5 फेज डिफरेंस। हमें पहले इसका पाथ डिफरेंस निकालना होगा, यानी कि ये कितने लेंथ से पीछे है, और उसे हम कन्वर्ट कर लेंगे एंगल में। आइए देखते हैं, हमने इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स लिए हैं, लेट द फर्स्ट एंड टू के बीच में डिस्टेंस भी डी, ओके, डी डिस्टेंस ले लिया हमने दोनों के बीच में, और मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है। मान, सॉरी, यहां ऑलरेडी माना हुआ थीटा, तो आप ज्योमेट्री समझ जाएंगे कि ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा हो गया। तो ऐसे में मैं इसको बना देता हूँ, ये 1, ये 2,
ये 90 डिग्री गिराया हुआ है और ये हमारा कितना है थीटा। सो अगर मैं ये डिस्टेंस ले लेता हूँ तो सामने वाला क्या होगा, डी साइन थीटा। तो पाथ डिफरेंस डेल्टा से दिखाता हूँ, 1 2 इज डी साइन थीटा। मैंने आपको बोला है कि जब भी आपको पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस में जाना हो तो आप 2π/λ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो आप कर दीजिए तो पाथ फेज डिफरेंस कितना हुआ, 2π/λ इंटू डी साइन थीटा। नाउ लेट्स पुट इट हियर। सो y2 को लिख सकता हूँ a साइन ओमेगा t माइनस 2π/λ इंटू डी साइन थीटा। हालांकि आपको पता चल चुका है कि फाई की वैल्यू है क्या, 2π/λ इंटू डी साइन थीटा। अब अगर मैं y3 के लिए लिखूं तो ए साइन ओमेगा टी माइनस, देखो ये भी डिस्टेंस कितना है, बराबर कही है इतना से यहां तक, तो ये 2d हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये डी साइन थीटा था इसके डी होने पर, तो ये 2d साइन थीटा हो गया, और ये जब 2d है तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, 2d साइन थीटा, ये 2d साइन थीटा। तो यानी कि अगर डी साइन थीटा वो हम फाइल के कॉरेस्पॉन्डिंग फाइल लिख रहे थे, इक्वल टू फाइल नहीं है, इक्वल टू तो 2π/λ डी साइन थीटा, तो 2d साइन थीटा के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या लिखेंगे, 2π। सो वी डोंट हैव टू राइट दिस, वी कैन सिंपली राइट 2π। तो y4 पे क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा t माइनस 3π एंड सो ऑन। तो nth पे क्या होगा, a साइन ओमेगा टी माइनस, देखो 4 पे 3, 3 पे 2, 2 पे 1, तो एन पे एन माइनस 1 5। तो फाइनल इंटेंसिटी इन्फिनिटी पे जाके क्या मिलेगी हमें, जब हम इन सबको ऐड कर लेंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन अप टू yn। ठीक है, वी हैव टू ऐड ऑल दीज एम्पलीट्यूड्स ऑफ दी लाइट या वी ऑफ दी वेव फ्रंट वी आर गेटिंग फ्रॉम, वेवलेट्स वी आर गेटिंग फ्रॉम हेयर। तो ये एम्पलीट्यूड इक्वेशंस हैं समय के साथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनको ऐड करने। देखिए ये एक साइन सीरीज है, किस तरह की, साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स प्लस 2y एंड सो ऑन, वी गेट साइन एक्स प्लस एन माइनस 1 y। एक साइन सीरीज होती है जिसका फॉर्मूला निकल के आता है साइन एन फाई बाई टू अपॉन साइन फाई बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस एन माइनस 1 फाई बाई टू। ये फाइनली हमारा निकल के आता है फॉर्मूला, इसी को हम यहां पे अप्लाई भी करेंगे। लेट्स अप्लाई। सो लेट्स राइट डाउन द इक्वेशंस वी हैव फॉर द वेवलेट्स, ओमेगा टी प्लस ए साइन ओमेगा टी माइनस 5 प्लस ए साइन ओमेगा टी माइनस 2 5 अप टू ए साइन ओमेगा टी माइनस एन माइनस 1 5। उस पिछले फॉर्मूले को अगर आप नोटिस करें तो उसके हिसाब से क्या आ जाएगा, ए तो कॉमन है तो ये बाहर आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो वाई था उसकी जगह हमने फाई लिखा है, तो इट विल बी एन फाई बाय 2 अपॉन साइन 5/2 और देन वी हैव ओमेगा टी माइनस एन माइनस 1 5/2। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब इसमें हमारे पास कंप्रेस करके लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और ये पोर्शन आ जाएगा आर्ग्यूमेंट पोर्शन इसका ओमेगा टी माइनस थीटा। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर। सो हमारे लिए इस पोर्शन का कोई महत्व नहीं है, तो जो फाइनल रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो कितना निकल के आ रहा है, ए साइन एन फाइव बाय टू अपॉन
साइन 5/2 इतना निकल के आ रहा है। अब देखिए इसमें जुगाड़ करते हैं कि हम इसमें मल्टीप्लाई बाय एन और डिवाइड बाय एन कर लेते हैं, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को हम लिख सकते हैं ए इंटू एन, मतलब छोटा एन, जो नंबर ऑफ वेवलेट्स थी, पॉइंट्स थे, वो यहाँ पे एन है। अभी छोटा एन लिया तो एन ही रहने दीजिए। साइन ए इंटू एन साइन एन 5/2 अपॉन एन टाइम्स साइन 5/2। नाउ व्हाट वाज फाई, ये नोटिस करिए, फाई इज 2π/λ इंटू डी साइन थीटा। इसे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये क्या है। नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल दैट साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख लिया जाता है अगर एंगल्स आर वेरी स्मॉल, एंगल्स आर वेरी स्मॉल। सो यहाँ भी हम हटा सकते हैं, यहाँ नहीं हटा सकते क्योंकि एन एक बड़ा नंबर था, बहुत सारे पॉइंट्स लिए हैं हमने, तो एन जब बड़ा नंबर है और फाइव से मल्टीप्लाई होगा तो वो ये बड़ा नंबर बन जाएगा, तो यहाँ पे निगलेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे साइन एन 5/2 को एन 5/2 नहीं लिख सकते, पर यहाँ साइन 5/2 को 5/2 ज़रूर लिख सकते हैं। सो वी हैव ए इंटू एन साइन एन 5/2 अपॉन 5/2 इंटू एन, ये हम ज़रूर लिख सकते हैं। अब जरा हम एन 5/2 को भी सॉल्व करके देखें कि है क्या चीज़। तो एन 5/2 है एन 2 गुणे फाइव, हम लिख रहे था आपको 2π/λ इंटू डी साइन थीटा, 2 से 2 कैंसिल एंड वी हैव एन पाई डी साइन थीटा बाय लेमडा। देखो थीटा आ गया ना यहाँ पे, तो धीरे धीरे हम इंटेंस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को थीटा के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, और क्योंकि इंटेंसिटी थी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो इंटेंसिटी का एंगल से रिलेशन निकालने वाले हैं। सो वी हैव एन इंटू डी पाई साइन थीटा बाय लेमडा। अब आपको देखना दिखाना चाहता हूँ कि एन इंटू डी क्या चीज़ है। जैसे कि यहाँ देखिए, ये डी था 1 और 2 के बीच में, तो 1 3 के बीच में कितना है डिस्टेंस, 2d, और 1 और 4 के बीच में डिस्टेंस कितना होगा 3d, तो 1 और n के बीच में डिस्टेंस कितना होगा n-1 इंटू डी, और ये पूरा b जो है वो इसके बराबर हो गया, इस लिहाज से n-1 इंटू डी के बराबर। नाउ n इज अ वेरी वेरी बिगर नंबर देन 1, सो वी कैन राइट b इक्वल्स टू nd। तो वहां पर हम रिप्लेस कर सकते हैं एनडी की जगह बी, तो वी हैव एन 5/2 एज एनडी की जगह बी, तो पाई इंटू बी साइन थीटा अपॉन लैम्डा। ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आ गया, और इसको हम एक अलग नंबर से लिख लेते हैं, सपोज लेट इट बी बीटा। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ गया, ए एन साइन बीटा अपॉन बीटा, दैट इज द फाइनल रिजल्टेंट वी हैव। एंड बार बार इतना बड़ा लिखने से अच्छा है बीटा से रिप्लेस कर दिया। आइए अब इंटेंसिटी को लिख लेते हैं। सो वी हैव इंटेंसिटी प्रपोर्शनल टू रिजल्टेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, विच हैज कम आउट टू बी ए स्क्वायर एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर। हम चाहें तो उसको प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के ए स्क्वायर एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं, और क्योंकि साइन बीटा बाय बीटा दोनों ही नंबर्स हैं, दोनों का कोई रेशियो नहीं निकलना चाहिए, तो ये दोनों रेशियोलेस चीज़, मतलब सॉरी यूनिट नहीं निकलना चाहिए, तो ये चीज़ें यूनिटलेस चीज़ें हैं। तो फिर इन तीन चीज़ों को मिलकर इंटेंसिटी की यूनिट बनानी होगी, तो ये टर्म जो है वो इंटेंसिटी का टर्म है। दूसरी बात, ये तो आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, बढ़ सकता है घट सकता है, ये चीज़ फाइनल इंटेंसिटी कितनी होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखाएगी, साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर। सो वी हैव दिस फाइनल फॉर्मूला, इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ एंगल थीटा, जो बीटा के अंदर छुपा हुआ है। अब हम बात करते हैं व्हेन आई कैन गेट मैक्सिमम एंड व्हेन आई कैन गेट द मिनिमम।
पैटर्न की बात करते हैं, ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे जो भी थे। अभी हम बात कर रहे हैं सेंटर पे। ओके, सेंटर पे क्या मतलब? कहीं और पे देखेंगे तो हम थीटा ले रहे हैं, तो सेंटर के लिए थीटा क्या रखना पड़ेगा? जीरो। सो फॉर सेंटर ऑफ स्क्रीन थीटा जीरो है, तो क्योंकि बीटा क्या था? पाई बी साइन थीटा बाय लेमडा। तो अगर थीटा जीरो तो बीटा भी जीरो। तो जैसे ही हम बीटा में जीरो रखेंगे, साइन बीटा भी जीरो हो जाएगा, और जीरो अपॉन जीरो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, तो इस डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमको यहाँ पे लिमिट लगानी पड़ेगी। जब भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, लिमिट लेकर सॉल्व करते हैं। लिमिट बीटा टेंड्स टू जीरो साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर। और सबको पता है, 11th में पढ़कर आए हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स क्या होता है? वन। सो अल्टीमेटली हमें क्या प्राप्त हुआ? आई नॉट, यानी कि एट द सेंटर ऑफ स्क्रीन वी विल गेट द मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये तो हमारा फाइनल हो गया सेंटर ऑफ स्क्रीन पे। अब बात करते हैं मिनीमास की। मिनीमास की बात नहीं करना चाहता मैं सिंपली बीटा इक्वल्स टू एन पाई की बात करना चाहता हूं, यानी कि इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, मल्टीपल ऑफ पाई, क्योंकि एट ऑल वैल्यूज ऑफ बीटा इक्वल्स टू एन पाई, एन का जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो हो जाएगा तो फिर इंडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगी और मैक्सिमम मिल जाएगा। तो यहाँ पे एन वन से स्टार्ट होता है, वन टू एंड सो वन, जीरो नहीं होना चाहिए। इन दैट केस हमेशा न्यूमिनेटर जीरो हो जाएगा, पर डिनोमिनेटर जीरो ही रहेगा। अगर हम जीरो रख लेते तो डिनोमिनेटर भी जीरो हो रहा था और न्यूमिनेटर भी जीरो हो रहा था और इंडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही थी, तो उसको हमने पहले ही डील कर लिया है। अब हमारे पास जो फॉर्म आ रही है वो इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आ रही, तो अगर हम बीटा की जगह पाई रख दें वन यूज करके, तो ऊपर जीरो आ जाएगा पर नीचे पाई स्क्वायर आएगा, तो अल्टीमेटली आया जीरो इंटेंसिटी। ठीक है, सो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन, अगर टू पाई भी रख देंगे तो ऊपर जीरो है, नीचे फोर पाई स्क्वायर आ जाएगा। थ्री रखेंगे तो फिर ऊपर जीरो आएगा, क्योंकि साइन थ्री पाई भी जीरो होता है, और नीचे नाइन पाई स्क्वायर जीरो का कुछ नहीं उखाड़ सकता, हमेशा जीरो मिलता रहेगा। सो वी गेट मिनिमम इंटेंसिटी व्हेन बीटा इक्वल्स टू एन पाई और एन नॉट इक्वल टू जीरो। पर हमें बीटा के फॉर्म में कंडीशन नहीं चाहिए ना, हमें तो थीटा के फॉर्म में चाहिए, तो बीटा को खोलना पड़ेगा, पाई बी साइन थीटा बाय लेमडा इक्वल्स टू एन पाई। तो पाई से पाई कैंसिल एंड वी हैव साइन थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा बाय बी। दैट इज द साइन थीटा कंडीशन। फॉर एंगुलर कंडीशन, क्योंकि एंगल्स बहुत छोटे हैं, हम साइन थीटा की जगह थीटा लिख सकते हैं, एनथ ले लीजिए और एन लेमडा बाय बी मिलता रहेगा। और फॉर डिस्टेंस कंडीशन, कि स्क्रीन से कितनी दूरी, सेंटर से कितनी दूरी पे मिलेगा, फॉर डिस्टेंस कंडीशन भी कोई बहुत मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि फॉर स्मॉल एंगल्स, और स्मॉल एंगल्स साइन थीटा को टेन थीटा भी लिखा जा सकता है, तो टेन थीटा को भी लिख सकते हैं हम एनथ में एन लेमडा बाय बी। और अगर आप इंटरफेरेंस सॉरी डिफ्रैक्शन के पैटर्न वो सेटअप को देखें, सो अगर मान लीजिए ये सेंटर है जहाँ से थीटा एंगल गिना जा रहा है, ये मान लीजिए एंगल थीटा है, तो अगर इसमें ये पोजीशन है जहाँ पर आपको कोई एनथ मिनिमम मिल रहा है, मिनिमम एनथ मिनिमम मिल रहा है, तो वहाँ पे आप इसको कैपिटल डी से ही दिखाते हैं डिफ्रैक्शन में भी, तो टैन थीटा की जगह इजिली वी कैन राइट वाई एन बाई कैपिटल डी एन लेमडा बाई बी। सो वाई एन हो जाएगा एन लेमडा कैपिटल डी बाई बी। सो आपको लेंथ में पोजीशन भी मिल गई और एंगुलर पोजीशन भी मिल गई है आपको, कि एंगुलर पोजीशन क्या है हमारे मिनिमा की। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द एंगुलर पोजीशन। नाउ एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं इसमें डील करना चाहता हूँ, कि वॉट इज द थिकनेस ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम।
जैसे कि आप डिफ्रैक्शन को पूरी तरह देखें तो सेंटर की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक आपको थीटा वन ले लें तो कितना होगा पहला वाला कहाँ पहला मिनिमा के लिए फॉर्मूला क्या बनाया एन लेमडा बाई बी, तो फर्स्ट वाला क्या होगा थीटा वन लेमडा बाई बी, तो ये नीचे भी तो होगा क्योंकि सिमेट्रिक है ना, थीटा वन माइनस में तो थीटा वन इज माइनस का लेमडा बाई बी, इधर भी ले सकते हो, तो पूरा का आप नॉर्मली ऐड करें तो क्या टू टाइम्स हो गया ना। सो यहाँ पे भी ब्राइटनेस हो गई क्योंकि यहाँ पहली बार मिनिमम प्राप्त होगा और यहाँ पे पहली बार मिनिमम प्राप्त होगा, तो ये पूरा कितना हो गया टू टाइम्स ऑफ थीटा वन, तो थीटा नॉट विच इज द सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम इज टू टाइम्स ऑफ दी मिनिमम्स मिनिमा थिकनेस कितना एंगुलर थिकनेस टू लैम्डा बाई बी, सो दिस इज द थिकनेस ऑफ द सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम। मैंने ये क्यों बोला कि टू टाइम्स है क्योंकि अगर आप थीटा टू देखें ऐसे कि दूसरी बार आपको मिनिमा जो मिलेगा आपको यहाँ मिलेगा, थीटा टू की बात करें इसी फॉर्मूले में लगाइए तो टू लैम्डा बाई बी है ना, तो पहली बार आपको मिनिमम मिलता है पहली बार जो मिनिमम मिलता है वो कहाँ मिलता है लैम्डा बाई बी पे फॉर्मूले में रख के देखा, और दूसरी बार मिनिमम कहाँ मिलता है टू लैम्डा बाई बी पे। तो अगर दो मिनिमम के बीच की दूरी को देखा जाए तो आपको एक ब्राइट मैक्सिमम की दूरी मिलेगी जो सेंट्रल के बाद जो दूसरा ब्राइट आएगा, तो उसकी थिकनेस क्या हुई टू लैम्डा बाई बी माइनस लैम्डा बाई बी, तो लैम्डा बाई बी हो गया ना। तो सेंट्रल वाला आगे आने वाले जो भी ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस हैं उनका डबल होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ डबल प्रूफ किया गया है। तो ये हमने आपको डिफ्रैक्शन बता दिया है पूरा, अगले वीडियो में क्योंकि ये बड़ा हो रहा है मैं आपको मैक्सिमम निकालना दिखाऊंगा और इंटेंसिटी बताऊंगा कि हर एक मैक्सिमम की इंटेंसिटी कितनी होती है।